मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ग्वालियर में एक बार फिर प्रशासन ने 10 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। ग्वालियर में एक बार फिर प्रशासन की टीम ने अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। दरअसल सिरोल में 10 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जा कर कांग्रेस नेता जितेंद्र गुर्जर के चाचा पंजाब सिंह गुर्जर ने 3 मंजिला मकान बना लिया था, जिसके बाद शिकायत मिलते ही प्रशासन ने अवैध निर्माण को ढहा दिया। वहीं जितेंद्र गुर्जर ने प्रशासन पर दुर्भावना के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई प्रशासन ने की है हमारे मकानों के ऊपर, और हमारी पुश्तैनी जमीन थी, पुश्तैनी जमीन को वो अपने उसमें नकारते हुए हमारे मुझे सिविल से स्टे हुआ था मेरा, तो इन्होंने एडीजी के यहाँ स्टे जबरन तरीके से कैंसिल कराया। मतलब दो दो चार चार वकील खड़े करके अपने सास के अधिवक्ता, और उसके बाद मैनेज करके कहना चाहिए ये स्थिति रही। और आज उन्होंने मकान तोड़ दिए। मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन भी की है, जिसका कभी भी नंबर आना है। हालांकि प्रशासन ने जितेंद्र गुर्जर के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया और कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया था। ग्राम सिरोल की भूमि सर्वे नंबर 134 पर पंजाब सिंह गुर्जर के द्वारा शासकीय भूमि पर मकान बनाकर के अतिक्रमण किया गया था। उसके संबंध में विधिवत न्यायालय तहसीलदार से बेदखली प्रकरण पारित करके इनको हटाने के लिए कहा गया, लेकिन न हटाने पर शासकीय अभिसाधनों से हटाने की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में चल रही एंटी माफिया अभियान धीरे धीरे रंग दिखाने लगा है और बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों को इस अभियान के तहत अवैध कब्जे से मुक्त कराने में सफलता मिली है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।